आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS Edits पे। दोस्तों प्रीव्यू में जैसे कि अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं ना, सेम वही वीडियो का ही ट्यूटोरियल आज आपका भाई ना आप लोग के लिए इस चैनल पे लेके आ चुका है। अगर आप लोग को भी कुछ सेम उसी प्रकार का वीडियो क्रिएट करना है तो इस वीडियो का पूरा फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना आपका भाई पूरा इजी स्टेप में आप लोग को बताने का कोशिश किया है कि आप लोग उस प्रकार का वीडियो क्रिएट कैसे करना है। दोस्तों उस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है एलाइट मोशन एप्लीकेशन। अगर आप लोग के पास ये एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का मोड वर्जन चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इसी वीडियो को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा, वहां पे आप लोग इस एप्लीकेशन का ना मोड वर्जन का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं उस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए एक बीटमार्क का यूज किया हूँ एंड एक सेक इफेक्ट का यूज किया हूँ, तो इस दोनों का भी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैं जितना फोटोज का यूज किया हूँ वो सब फोटोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि आपका भाई यहाँ पे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुका है। एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये जो प्लस वाला आइकन आप देख रहे हो ना, जस्ट इसके बगल में प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इस प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी हम दो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए हैं यही दोनों प्रोजेक्ट को आपको इसमें इम्पोर्ट कर लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बीटमार्क वाला प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इस बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे आप लोगों को डायरेक्टली टैप करके ओपन करना पड़ेगा। बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को आप ओपन करिएगा ना तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लेयर भी आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत सारा यहाँ पे बीट भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बीट सब पे फोटो को लगाते हैं एंड लेयर सब पे इमेज को रिप्लेस करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को इमेज को रिप्लेस कैसे करना है एंड फोटो को कैसे लगाना है। जैसे कि देख ले यहाँ पे लेयर बना हुआ है तो इस लेयर पे आप लोगों को डायरेक्टली टैप करना पड़ेगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, स्टार मार्क पे आप लोगों को डायरेक्टली टैप करना पड़ेगा। फोटो आप लोग अपना खोजिएगा, आप अपना फोटोज कहाँ पे रखे हैं, तो ये मेरा फोटो वाला फोल्डर ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ से हम इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, प्लस वाले आइकन पे हम टैप कर देते हैं, ये फोटो मेरा यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो कुछ सेम यही प्रोसेस करके यहाँ पे जो ब्लू कलर का लेयर आप लोग को दिख रहा होगा वो सब ब्लू कलर वाले लेयर पे आप लोग कुछ सेम यही प्रोसेस करके फोटोज को लगा लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक ब्लू कलर का लेयर दिख रहा होगा, तो इस ब्लू कलर वाले लेयर पे भी आपको टैप करना पड़ेगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, स्टार मार्क पे आप लोग डायरेक्टली टैप करिएगा, फोटो पे ऐसे सिलेक्ट करिएगा, प्लस वाले आइकन पे आप टैप करिएगा, फोटो आपका लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। इससे रहेगा तो यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क वन करके एक आपको लेयर दिख रहा होगा एंड इमेज करके एक लेयर दिख रहा होगा, तो इस इमेज वाले लेयर पे आपको टैप करना पड़ेगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, स्टार मार्क पे टैप कर देना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, प्लस वाले आइकन पे टैप करिएगा, फोटो आपका लग जाएगा। उसके बाद ग्रुप एंड मास्क वन वाले लेयर पे टैप करिएगा, एडिट ग्रुप पे आ जाएगा, यहाँ पे येलो कलर का एक इमेज आपको दिख रहा होगा, इस येलो वाले इमेज पे आप टैप करिएगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आइएगा, स्टार मार्क पे आप टैप करिएगा, जो फोटो अभी आप सिलेक्ट किए थे सेम वही फोटो को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को डायरेक्टली यहाँ से बैक होके आ जाना पड़ेगा, जो जहाँ पे भी आप फोटो को लगाए हैं देखिएगा वहाँ पे आपका फोटो लग चुका हो कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नॉर्मली सा फोटो देखने को मिल रहा हो, तो सेम वही प्रोसेस करके यहाँ पे इस लेयर पे भी आप लोग को फोटोज को लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मली बीट सब देखने को मिल रहा होगा, तो इस बीट पे फोटो लगाने के लिए आप लोग को डायरेक्टली प्लस वाले आइकन पे आना पड़ेगा, मीडिया वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा,
उसके बाद इस एरो पे से नेक्स्ट बिट पे आ जाएगा, बचा हुआ जो आपका फोटोज का पार्ट होगा उसको इस वाले ऑप्शन पे से टैप करके कट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए हो कि आप लोगों को फोटोज को कैसे लगाना है। तो चाहिए पहले आप लोग जल्दी से यहाँ पे फोटोज को लगा लीजिए, तब तक हम भी यहाँ पे ना फोटोज को लगा के फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि आपका भाई यहाँ पे फोटोज को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा चुका है। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आप लोग भी फोटोज को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा चुके होंगे। दोस्तों फोटोज लगाने के बाद यहाँ पे जो बीट सब पे आप फोटो को लगाए थे वो सब बीट वाले फोटो पे आप लोगों को इफेक्ट सबको लगाना पड़ेगा। तो इफेक्ट लगाने के लिए देखिएगा नीचे में आप लोगों को एक लेयर दिख रहा होगा जिसपे नंबरिंग कुछ दिया होगा, तो वो सब मेरा इफेक्ट सबका नंबरिंग दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, इस साइड आइएगा तो इस साइड आप लोगों को भी यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिखाई देगा, इस साइड 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ। तो ये सब मेरा इफेक्ट सबका नंबरिंग है, जहां जहां पे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का इफेक्ट को आपको कॉपी करना पड़ेगा एंड इसके ऊपर में आपको जो फोटो देखने को मिलेगा वहां पे जाकर पेस्ट कर देना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इफेक्ट सबको कैसे लगाना है। तो इफेक्ट सबको लगाने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ से बैक होना पड़ेगा, यहाँ से आप लोगों को सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना पड़ेगा। सेक इफेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 4 इफेक्ट देखने को मिलेगा, यही 4 इफेक्ट का यूज करके आप लोगों को वीडियो क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से पहला नंबर वाले इफेक्ट पे हम टैप करते हैं, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं। तो ये इफेक्ट मेरा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बैक होकर हम आते हैं अपने बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे, बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को यहाँ से हम ओपन करते हैं, देखते हैं मेरा 1 का क्लियर कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 1 करके लेयर बना हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा जो फोटो देखने को मिलेगा उस फोटोज पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा इफेक्ट भी लग जाएगा। तो कुछ सेम यही प्रोसेस होकर के आप लोग को यहाँ पे इफेक्ट सबको लगा लेना पड़ेगा। इफेक्ट सबको लगाने के बाद ना आप लोग का ना वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर में आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पे आप टैप करिएगा। नीचे में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज चलता हुआ आपको शो करेगा, जब भी आपका 100% हो जाएगा तो आप लोग के सामने एक अलग इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे आप वेट कर लीजिएगा 100% होने का। ओके दोस्तों 100% होने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि नीचे में आप देख लेंगे सेव करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव वाले ऑप्शन पे आप टैप करिएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का ना वीडियोस का ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पे पर डे देखने को मिलते ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।